वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी एक्सेल की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज मैं आपको मैक्रो की एक कोडिंग सिखाने जा रहा हूँ जिसमें आप किसी भी सेल में अगर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे अभी मैं यहाँ कहीं भी प्रेस कर रहा हूँ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, मगर मैं एक छोटी सी मैक्रो की कोडिंग दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोडिंग कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो सेल ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए, आज का ये टॉपिक मैक्रो के एक सेल के ऊपर है, सेल हाईलाइट कैसे करते हैं मैक्रो की कोडिंग के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक डेटा सेट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं जो भी सेल में क्लिक करूँ, जब भी क्लिक करूँ, वो खाली सेल मेरे लिए हाईलाइट हो जाए। तो वो कैसे करते हैं, आपको जो भी शीट में मैक्रो की कोडिंग अप्लाई करनी है, आपने उस शीट को क्लिक करना है और ऑल्ट F11, अगर आप ऑल्ट F11 ना प्रेस करना चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए शीट के ऊपर, राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाइए। व्यू कोड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने व्यू कोड कर दिया। अब ये शीट है जिसमें मुझे एक मैक्रो की कोडिंग अप्लाई करनी है ताकि मैं यहां पे क्लिक करूं और ये हाईलाइट होता रहे। तो मैक्रो की कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने आप लोगों के लिए एक मैक्रो की छोटी सी कोडिंग प्रिपेयर करी है, आपको बस ये कोडिंग कॉपी करना है और शीट वन, हमें शीट वन में ही लगाने हैं कोडिंग। आपने शीट वन में प्रेस किया, आपने जस्ट पेस्ट कर दिया। एज सून एज यू हैव पेस्ट द कोडिंग इट विल वर्क। आपने जैसे ही पेस्ट कर दिया, इट विल वर्क। सो नाउ जस्ट गो टू योर एक्सेल शीट। आप एक्सेल शीट में आ गए, नाउ आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो डेटा सेट को हाईलाइट भी करवा सकते हैं, जैसे आपको यहां से लेकर यहां तक। ये देखिए, मैंने ये कॉपी किया, मैंने हाईलाइट किया, मुझे यहां से लेकर यहां तक चेक करना है तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना यूजफुल है, आप इसको जरूर अप्लाई करिए। ये कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने नोटपैड में आप लोगों के लिए कलर भी बताया हुआ है। अगर आपको वन कलर करना है तो एंटायर वो ब्लैक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं, जैसे मैं 8 की जगह चेंज करके 1 कर देता हूं, अब देखिए ये ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको कुछ दिखेगा नहीं। सो इट्स बेटर टू चेंज द कलर। आप 1 ब्लैक, 2 व्हाइट, 3 रेड, मैं 3 कर देता हूं ताकि 3 थोड़ा विजिबल हो। आई एम सॉरी, मुझे ये कोडिंग में करना है, मैं 3 में कोडिंग में आके 3 कर देता हूँ। मैं अपनी एक्सेल शीट में जाता हूँ। अब देखिए, ये देखिए, ये कितना इजी है, कितना सिंपल है ये कोडिंग लगाना। जैसे ही आपने ये कोडिंग लगा दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने शीट में जाना है और अपने शीट को अब आपने सेव करना है। तो आप अपनी शीट को सेव कैसे कर सकते हैं, आप F12, जो टॉप में F12 है, आप F12 को प्रेस कर दीजिए। आप F12 को प्रेस करते ही एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी आपके पास। विंडो में यहां पे सेव एज टाइप, आप सेव एज टाइप में ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करिए और इसे मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कर दीजिए, क्योंकि आपने मैक्रो की कोडिंग अप्लाई करी है तो ये जब तक मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव नहीं होगा आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप मैक्रो अनेबल में क्लिक करके आप जहां भी सेव करना चाहें, जैसे मैं अपने डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूं, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करके मैंने सेव कर दिया। अब ये हमारी मैक्रो अनेबल हो गई है। अब आप जहां भी क्लिक करें, अगर आपको कोई और कलर सेलेक्ट करना है, आप जाइए, जैसे मैं कर लेता हूं 8, और मैं देखता हूं 8 कौन सा कलर है। जी हाँ, और अगर मैं इतने को हाईलाइट करवाना चाहूं, ये देखिए कितना अच्छा है ये कोडिंग, कितना यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये मेरी कोडिंग पसंद आई होगी मैक्रो के लिए,
और आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। ये बहुत ही यूज़फुल है अपने डेटा प्रेजेंट करने के लिए। कोई भी क्लिक करेगा आपके डेटा में तो वो ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।